अ और आ के बाद हिंदी का तीसरा हुरूफ तहजी है ई। ये ई ई ई से इमली बन गया है, इमली। ए और माँ इम, माँ आप पिछले सबक में सीख चुके हैं। और ये ला, ये है ला, ये भी एक हरफ है हिंदी का। ये अभी पहली बार आया है। ई और माँ इम, इम। अच्छा, पिछले सबक में हमने आपको बताया था कि हिंदी के एराब यानी मात्राएं, हमने आ की मात्रा बताई थी, ये ई है, ई। अब ई की मात्रा कैसे लगती है? ये ई की मात्रा है, इस तरह लगती है ई की मात्रा। ये इसमें ला में जो लगी हुई है वो ई की मात्रा है, ई। ये ई है और ई, ई हरफ इसके बाद के सबक में आएगा, अभी जिसमें तभी हम तफसील से इस पर बात करेंगे। अभी हम ई की मात्रा की बात कर रहे हैं। ई की मात्रा जब लग जाती है तो जैसे उर्दू में होता है, बे के नीचे जब जेर लग गया तो बी, काफ के नीचे जेर लग गया की, लाम के नीचे जेर लग गया ली, बिल्कुल वही काम ये ई की मात्रा करती है। अब ये ला है, ला पर जब ई की मात्रा लग गई, ई की मात्रा लग गई तो ये हो गया ली। अब ये देखिए, मा में ई की मात्रा है, मी और ला मिल। फिर देखिए, मा में ई की मात्रा है मी और ला में आ की मात्रा है ला, मिला, मिला। ये गा में, फिर ये है गा में ई की मात्रा है गी और ला में आ की मात्रा है ला, गिला। गा में ई की मात्रा है गी और रा, गिर। गा में ई की मात्रा गी और रा में आ की मात्रा रा, गिरा। अब उसी तरह आ और ला में ई की मात्रा ली और मा, आलिम, आलिम। आ मा में ई की मात्रा मी और ला, आमिल। गा में ई की मात्रा गी और रा, गिर। जा में आ की मात्रा जा, गिर जा। जा में ई की मात्रा जी, गा रा, गर, जी गर।